महाराष्ट्र के बहाने मोदी शाह पर सोनिया का बड़ा हमला। क्या उद्धव ठाकरे की ताजपोशी की साक्षी बनेंगी सोनिया गांधी? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुखिया होंगे। उद्धव की ताजपोशी को खास बनाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। उधर प्रदेश की सत्ता हाथ में आने से कांग्रेस भी खासा उत्साहित है। पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा बनने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की साजिश नाकाम हो गई। सोनिया गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाने की शर्मनाक कोशिशें की, मोदी और शाह की साजिश नाकाम हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने बैठक में ये भी कहा कि हमारा भविष्य उज्जवल है। इस दौरान सोनिया ने ये भी कहा कि राज्यपाल ने मोदी और अमित शाह के निर्देश पर काम किया। राज्य में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को विफल करने का हर प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और मोदी शाह सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी के प्रयासों को विफल करने के लिए तीनों पार्टियां एकजुट हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में जाने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैंने अभी तय नहीं किया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने खुद दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। सोनिया और मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद आदित्य ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने महाविकास अघाड़ी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। सूत्रों के मुताबिक आदित्य ने महाराष्ट्र में अपने पिता के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए सहयोग को लेकर सोनिया का आभार भी प्रकट किया। सूत्रों का कहना है कि अभी दोनों नेताओं के शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कुछ खबरों में कहा गया है कि दोनों नेता संभवतः शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हों। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।